खैरियत पूछो, कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। जी हाँ, आज ये गाना डिस्कस करूँगा भैया। झेल लिया आपने मेरी ये लाइन, बहुत बहुत शुक्रिया। वरना तो कई लोग बंद करके भाग जाते हैं वीडियो को, कोई बात नहीं। आज इस गाने के पूरे लिरिक्स बताऊँगा, सही सही बताऊँगा, और उच्चारण तो सही हमारा होता ही है, ये तो आप जानते ही हैं। तो इससे पहले कि मैं बात शुरू करूँ, आपको याद दिला दूँ कि हमारा चैनल जो है वो अपनी तरह का एकमात्र चैनल है, और मुझे आप सभी प्लेटफॉर्म्स पर, कई प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, जैसे खबरी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयर चैट और फेसबुक वगैरह। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए यार, पसंद तो आपको आएगा, नहीं आएगा तो बाद में डिसलाइक कर देना, फिलहाल लाइक का बटन दबा दो ताकि हम आगे बात शुरू करें। लिरिक्स, शब्द और उच्चारण। खैरियत पूछो, कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। फिल्म है छिछोरे, अरिजीत ने गाया है। मैं गाना बताता हूँ और शब्दों पर बात करता हूँ। खैरियत पूछो, कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। खैरियत किसे कहते हैं, कैफियत किसे कहते हैं? खैरियत, खैरियत नहीं, खैरियत, ख के नीचे नुक्ता। देखिए, वेलफेयर को कहते हैं खैरियत, अरबी भाषा से उर्दू में आया है ये शब्द। सेफ्टी को भी कहते हैं, हैप्पीनेस को भी कहते हैं। हिंदी में इसके लिए शब्द है कुशल क्षेम, कुशल क्षेम, ठीक है, खैरियत। और कैफियत आया है एक शब्द, वो भी अरबी भाषा से उर्दू में आया। कैफियत अर्थ है नैरेटिव, स्टोरी, स्टेट, हालत, स्थिति वगैरह, कैफियत, ठीक है। फिर लाइनें आती हैं, दिल मेरा देखो न मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। हैसियत, हैसियत भी उर्दू में अरबी भाषा से आया, इसका अर्थ है कैपेसिटी, एबिलिटी, स्थिति, औकात, अहमियत, स्टेटस, प्रतिष्ठा, इज्जत, अवस्था, हैसियत। कहते ना, तेरी क्या हैसियत है बे, हैं, या उनकी कोई हैसियत नहीं है, या उनके आगे हमारी क्या हैसियत भाई। हैसियत, बहुत सारे अर्थ हैं, मैंने आपको कुछ अर्थ बता दिए, अगर दोबारा सुनना चाहें तो यहाँ पॉज कीजिए, बैक कीजिए, फिर सुनिए। आगे चलते हैं, अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा। अंजाम का मतलब अंत, एंड, ठीक है ना, समापन, यानी आखिर में क्या होगा, यानी कि रिजल्ट। तय, तय चलता है उर्दू में, यानी निर्धारित है, फिक्स्ड है, तय। उसके बाद अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हों दूरियां फिलहाल है, ये दूरियां फिलहाल है। यहाँ एक ग्रामेटिकल मिस्टेक लगती है मुझे, फिलहाल है कैसे भैया ये यूज़ किया है मालूम नहीं, दूरियां के साथ तो हैं आता, और फिलहाल है अपने आप में अजीब सी बात है। खैर, मुझे इससे क्या मतलब, मैं आपको अर्थ बता रहा हूँ और उच्चारण। फिलहाल का क्या अर्थ होता है, देखिए फिलहाल अरबी से उर्दू में आया, फिलहाल बना है फी और हाल से, दोनों को जोड़कर फिलहाल बना है। फिलहाल का मतलब होता है इस वक्त, इस समय। फिर लाइनें हैं, तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी न समझो पर इश्क को हमारे। इश्क, इश्क होता है, ये आपको कई बार बता चुका हूँ, इश्क। तस्वीर आप जानते हैं, फोटो को कहते हैं, चित्र को कहते हैं, गुजारे, गुजारे नहीं, गुजारे, गुजारे, ठीक है, व्यतीत किए, व्यतीत किए, ठीक है ना। मौसमी यानी मौसम के अकॉर्डिंग बदलने वाला, ना समझो हमारे इश्क को, ठीक है, मौसमी, सीजनल, ठीक है, मौसमी, सीजनल। नज़रों, आप जानते हैं नज़र, आप जानते हैं साइट, दृष्टि हिंदी में कहते हैं, दृष्टि, नज़र नहीं, नज़र, नज़र, ठीक है। फिर है, मगर रहते हो हर पल मंजर में तुम हमारे। पल आप जानते हैं मोमेंट, लम्हा, उर्दू में लहजा, लहजा नहीं, लहजा स्टाइल होता है, लहजा है ये, लहजा, बता चुका हूँ कई वीडियोज़ में इसके बारे में। तो पल का मतलब मोमेंट, क्षण, लहजा, लम्हा, और मंजर किसे कहते हैं, मंजर, मंजर का मतलब है दृश्य, सीन। अब देखिए, रहते हो हर पल मंजर में तुम हमारे सीन में हर वक्त रहते हो। चलिए भावार्थ समझिए, बाकी बातें छोड़िए, मंजर बताया मैंने, दृश्य, सीन। फिर है, गर इश्क से है मिला, फिर दर्द से क्या गिला। गर किसे कहते हैं, गर देखिए अगर है, असल में उर्दू में गर भी चलता है, अगर को यानी इफ को यानी यदि को गर भी कहते हैं। इश्क बता चुका हूँ, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों बार बता चुका हूँ भाई, इश्क, इश्क नहीं, इश्क। और गिला किसे कहते हैं, गिला, गिला, गिला का मतलब है शिकवा, शिकायत, ठीक है, गिला। और जिंदगी एक शब्द आया है, इस दर्द में जिंदगी खुशहाल है, ये दूरियां फिलहाल है। जिंदगी आप जानते हैं, उच्चारण बता दूं बस एक बार कुछ लोगों को जो नहीं जानते हो, कि जिंदगी ना कहा करें, जिंदगी, जिंदगी। खुशहाल किसे कहते हैं, खुशहाल दो शब्दों से बना है, खुश और हाल। खुश का मतलब खुश तो बहुत हो गए तुम भाई, खुश का मतलब अच्छा, और हाल आप जानते हैं, स्थिति, सिचुएशन, कंडीशन, पोजीशन। खुशहाल, अच्छा हाल, यानी हैप्पी, हैप्पी है जिंदगी, हैप्पी, हैप्पी है जिंदगी, हैप्पी है।
इस दर्द में ज़िंदगी हैप्पी है और ये दूरियाँ फ़िलहाल है, बता चुका हूँ। उसके बाद स्थाई फिर से आ जाता है। तो ये गाना कंप्लीट हुआ इस तरह से, छिछोरे फिल्म का गाना खैरियत पूछो, बेहतरीन गाना, अच्छा गाया हुआ, अच्छा म्यूज़िक, सब कुछ अच्छा ही अच्छा। एक दो गलतियाँ तो होती हैं, हो जाती हैं, चलता है यार, ठीक है। तो बस आज इतनी ही बातें, बहुत जल्द आऊँगा लेकर आपके लिए कुछ और बात, कोई और बात बढ़िया सी लैंग्वेज के बारे में। फ़िलहाल मोइन शमसी को इजाज़त दीजिए, सलाम हिंदुस्तान।